हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां और कैसे करें। आजकल पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा मनमानी करने की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों पर अनेक गैरकानूनी कार्य करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता पुलिस के खिलाफ क्या कदम उठा सकती है, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जनता निम्न स्थानों पर पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत या केस दर्ज करवा सकती है। पुलिस विभाग में शिकायत करें, थाने में केस दर्ज करें, न्यायालय में केस दर्ज करें, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करें, मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें, लोकायुक्त या लोकपाल के कार्यालय में शिकायत करें। पुलिस विभाग में शिकायत करें, जनता पुलिस से पुलिस निरीक्षक तक के सरकारी सेवक की शिकायत डीएसपी या एसपी या एसएसपी के पास की जा सकती है। एसपी एवं एसएसपी रैंक के सरकारी सेवक की शिकायत डीआईजी, आईजी एवं डीजीपी से की जा सकती है। डीआईजी और आईजी स्तर के सरकारी सेवक की शिकायत डीजीपी, होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पास की जा सकती है। जिला स्तर पर पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ डीएम के पास भी शिकायत की जा सकती है। बिहार में डीजीपी कार्यालय में पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेन करने की व्यवस्था है। शिकायत के बाद आरटीआई के माध्यम से या स्वयं कार्यालय जाकर शिकायत पर होने वाले एक्शन के बारे में जान सकते हैं। पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के दोषी होने पर पुलिस विभाग दंड देती है। थाने में केस करें, जनता पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ गैर कानूनी या आपराधिक कार्य करने की स्थिति में थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। महिला थाना में जाकर पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामले निगरानी थाना में दर्ज करवाया जा सकता है। महिलाएं राज्य महिला आयोग में पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। थाना द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर एसपी को भी डायरेक्ट शिकायत भेजा जा सकता है। न्यायालय में केस दर्ज करें, अगर थाना के द्वारा पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत सीजीएम या मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया जा सकता है। सीजीएम या मजिस्ट्रेट के आदेश से एफआईआर दर्ज होता है। पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा अपराध करने पर क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा 200 के तहत सीजीएम के न्यायालय में कंप्लेन केस दर्ज करवाया जा सकता है। राज्य में स्थित हाई कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए केस किया जा सकता है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करना है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करेगी। कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन किया है एवं कुछ राज्य सरकारों ने अभी भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन नहीं किया है। इसमें
पुलिस विभाग के लोग नहीं रहते हैं, अतः शिकायतों की निष्पक्ष जांच की संभावना रहती है। यह दोषी पुलिस या पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ दंड की अनुशंसा करती है। डिप्टी एसपी तक के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत जिला पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास किया जा सकता है एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ राज्य स्तर पर गठित पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास किया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें। मानवाधिकार आयोग संविधान के द्वारा निर्धारित अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि शामिल है। अगर पुलिस के द्वारा इन अधिकारों का हनन होता है तो मानवाधिकार आयोग में शिकायत हो सकता है। राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग एवं केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। लोकायुक्त या लोकपाल में शिकायत करें। राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में और केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत लोकपाल कार्यालय में किया जा सकता है। शिकायत कैसे करें। पुलिस विभाग या अन्य स्थानों पर शिकायत A4 साइज के सादा कागज पर स्वलिखित या टाइप करके स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर या पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध साक्ष्य के साथ करना चाहिए। इसमें शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, संपर्क नंबर के साथ घटना की तिथि, समय, घटना का विवरण एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम, पता आदि का उल्लेख करना चाहिए। अगर आर्थिक व शारीरिक क्षति हुई हो तो आवेदन में उल्लेख करना चाहिए। आरोपी पुलिस या पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम आदि का उल्लेख करना चाहिए। अगर कंप्लेन का कोई फॉर्मेट हो तो उसे अच्छी तरह भरकर देना चाहिए। वर्तमान में पुलिस एवं पुलिस पदाधिकारियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।